नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube मॉम चैनल में। फ्रेंड्स, हर माँ ये जानना चाहती है कि मेरा शिशु जो गर्भ में पल रहा है उसका विकास सही से हो रहा है या नहीं। आपके मन में भी ये ख्याल आता होगा ना, तो इसी विषय पर आज का वीडियो है। और बहुत सारी सहेलियों की ऐसी कमेंट्स भी थे कि अपने बच्चे के डेवलपमेंट कैसे जाना जा सकता है, बिना कुछ किए खुद से कैसे जाना जा सकता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनको जानकर आप अपने शिशु के विकास को प्रेडिक्ट कर पाएंगे काफ़ी हद तक। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ट्रिमेस्टर यानी कि शुरू के 3 महीने शिशु के विकास को असेस करना बिना टेक्नोलॉजी के संभव नहीं है। लेकिन सेकेंड ट्रिमेस्टर से, दूसरे तिमाही से, चौथे महीने, पाँचवें महीने के बाद से आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसे लक्षण होंगे जिनसे बहुत अच्छे से आप समझ सकती हैं कि यस, मेरा बेबी ठीक से ग्रो कर रहा है। आइए जानते हैं। लेकिन YouTube मॉम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रोज मिलते रहें। फ्रेंड्स, बच्चे का ग्रोथ जानने के लिए हफ्ते दर हफ्ते उसका वजन का एक चार्ट होता है और उसके स्टैंडर्ड पे, उन स्टैंडर्ड्स पे हम जान सकते हैं कि यस, बच्चे का डेवलपमेंट चल रहा है। वो चार्ट आप देख सकते हैं। लेकिन क्या हर हफ्ते आप अपने बच्चे का वेट नाप सकते हैं? ऐसा किसी के लिए भी संभव नहीं कि हर हफ्ते वो जाँच करवाए और वजन नापे। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हैं कि जैसे जैसे बच्चे डेवलप होता है तो वो माँ के शरीर में दिखने लग जाते हैं, उनको आप भी समझ सकती हैं। तो कुछ ऐसे डिस्कम्फर्ट है, कुछ ऐसे बदलाव हैं जिनको हम अभी समझते हैं। खास तौर से जो भी पॉइंट्स मैं अभी बता रही हूँ ये दूसरी तिमाही में आप ऑब्जर्व कर सकती हैं। तो दूसरी तिमाही में अगर आपके साथ ये लक्षण होते हैं तो आप मान लीजिए कि यस, बेबी डेवलपमेंट अच्छा चल रहा है। सबसे पहली चीज़ है ब्रीथ की शॉर्टनेस। आपको कई बार पैल्पिटेशन फील होगी या फिर ब्रीथ में शॉर्टनेस, सांस में शॉर्टनेस फील होगी, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। हालांकि एक तरह का डिस्कम्फर्ट है आपके शरीर के लिए, माँ के शरीर के लिए, लेकिन ये पॉजिटिव साइन है बेबी डेवलपमेंट के लिए। गर्भाशय बड़ा हो रहा है क्योंकि उसके अंदर शिशु का विकास हो रहा है, वो वेट गेन कर रहा है, तो गर्भाशय का आकार बढ़ेगा और वो ऊपर की तरफ प्रेशर डालेगा, तो इस वजह से शॉर्टनेस ब्रीथ में होना स्वाभाविक है। तो ये अच्छा साइन है कि आपका बच्चा ठीक से डेवलप हो रहा है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में खास घटना होती है जिसको कहते हैं क्विकनिंग। क्विकनिंग यानी कि बेबी की पहली किक, बेबी मूव करना स्टार्ट करता है और अब आपको प्रोमिनेंटली फील होगा। क्यों? क्योंकि अब उसके मूव्स थोड़े मजबूत हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी बेबी मूव करता है लेकिन बहुत सारी माओं को पता नहीं चल सकता। वो बटरफ्लाई जैसे फ्लटरिंग सी फीलिंग होती है पर उसको समझ पाना बहुत कठिन है। कई बार गैस की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्लियरली आप फील कर सकती हैं कि बच्चा मूव कर रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। कुछ बच्चे कम चलते हैं, कुछ ज़्यादा चलते हैं। बच्चे के मूवमेंट से रिलेटेड अगर कुछ सवाल है तो मूवमेंट पे मेरा वीडियो है स्पेशल, उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप देख सकते हैं। अब जैसे जैसे सेकेंड ट्रिमेस्टर में वीक्स बढ़ेंगे, बच्चा का डेवलप होगा, बेबी बम्प का साइज बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा? ऊपर के पीठ में, कंधों में दर्द, नीचे कमर में दर्द क्योंकि बम्प का साइज बढ़ रहा है, और ब्रेस्ट में भी हैवीनेस आ रहा है क्योंकि ब्रेस्ट भी रेडी हो रहे हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए, बच्चे को फीड कराने के लिए। तो कंधों में, पीठ के ऊपरी हिस्से में, कंधों के पीछे और कमर में दर्द रहना स्वाभाविक है। ये दिखाता है कि बेबी ग्रो कर रहा है। अब बेबी बम्प ज़्यादा दिखना, कम दिखना, ये अलग विषय है, इसलिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। इस पर भी बहुत सारे रिक्वेस्ट आई हैं। बेबी जब ठीक से ग्रो कर रहा है तब ऐसे में रात की नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। शरीर में जब आप असहज महसूस करेंगी, पोश्चर जब आपका डिस्टर्ब होगा तो नींद स्वाभाविक रूप से डिस्टर्ब होगी। तो रात की नींद आप दिन में पूरी कर सकते हैं, लेकिन रात की नींद डिस्टर्ब होना बेबी डेवलपमेंट के पैरामीटर्स पे सही चीज़ है कि बेबी डेवलप हो रहा है और तभी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। अगली चीज़ है स्ट्रेच मार्क्स आना। जैसे जैसे बेबी ग्रो होगा वैसे वैसे आपके बॉडी पे, पेट पर, बाजू पर, थाइस पर, ब्रेस्ट पर स्ट्रेच मार्क आ सकते हैं। तो ये आपके बेबी डेवलपमेंट का ही लक्षण है। ये बताता है कि हार्मोन ठीक से बन रहे हैं, बेबी भी ठीक से डेवलप हो रहा है। जैसे जैसे यूट्रस का शेप बढ़ता है, यूट्रस का आकार बढ़ता है, अंदर शिशु का आकार बढ़ रहा है, वो ठीक से वेट गेन कर रहा है, डेवलप हो रहा है, तो उससे आपके शरीर की नसों पर दबाव पड़ता है। नीचे की जो नसें हैं, पैरों की नसें हैं, उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो वो उभर जाती हैं, थोड़ी सूजी सी नसें दिखाई पड़ती। कई महिलाओं को प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम होती है, तो नसें दिखना आपके लिए डिस्कम्फर्ट हो सकता है क्योंकि टेम्पररी है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रहेगा, उसके बाद ठीक हो जाता है, खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है। लेकिन दिखा रहा है कि बेबी का डेवलपमेंट सही चल रहा है। कई बार ट्विंस होने की कंडीशन में ये डिस्कम्फर्ट कहीं ज़्यादा होते हैं, और जो महिला योगासन एक्सरसाइज ठीक से नहीं करती हैं, प्रेगनेंसी में बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करती हैं, उनको डिस्कम्फर्ट ज़्यादा महसूस हो सकते हैं। लेकिन बेबी डेवलपमेंट अगर शरीर में हो रहा है तो चीज़ें बदलेंगी और डिस्कम्फर्ट आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं
ये कुछ लक्षण हैं, ये कुछ बदलाव हैं सेकेंड ट्रिमेस्टर में, तो आप देख सकते हैं अपने शरीर में जो बताते हैं कि यस आपका बेबी पेट में बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय।